हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बहुत बारिश हो रही है, बट मुझे आज बहुत ज़रूरी काम से दो से भी मिलने जाना है। एक क्लाइंट को वर्क देने जाना है और एक वर्क रिलेटेड मीटिंग है, तो उसके लिए जाना है। गाड़ी ना मेरे को चलाने आती है ना मेरे पास है, तो मैं अपनी स्कूटी पर जा रहा हूँ। बोल रहे थे कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, हम गाड़ी में चलते हैं, बट मैं नहीं चाहता यार, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगेगा। पापा फिर इतनी देर कहाँ मेरा वेट करेंगे, और ऐसे भी बचपन में भी मैंने उनको बहुत तंग किया, अब मैं नहीं चाहता, बड़ा हो गया हूँ तो तंग ना करूँ उनको। गाइस, अभी मैं निकल रहा हूँ, अगर मुझे चांस मिला तो मैं थोड़ा फोटोशूट भी करूँगा रास्ते में, जम्मू की फ़ोटोज़ लूँगा बारिश में, और देखते हैं, ऐसे ही इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। चलो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। सामने ना जम्मू की सबसे पवित्र जगह में से एक जगह है, उसको बावे वाला टेंपल भी बोलते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो आज जम्मू कैसा लग रहा है हमारा, बारिश में कितना सुंदर लग रहा है। गाइस, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये स्ट्रगल हो सकता है फ्रीलांस करने के, कि बारिश में घूम रहा हूँ, बट इसका भी एक अलग ही मज़ा है गाइस। तो जम्मू में आप किसी से भी पूछोगे तो 90% लोग सबसे पहले घूमने के लिए यही जगह बताएंगे। जब हार जाते हैं ना या लूज़र टाइप फील करने लगते हैं, तो सबसे पहले यहीं जाते हैं। इस जगह पर आपको हिंदू भी दिखेंगे, मुस्लिम भी, सिख भी, जैन भी दिखेंगे इस मंदिर में आपको। तो ये बहुत प्यारी जगह है गाइस, अगर कभी जम्मू आओ तो सबसे पहले बावे वाली माता जाना है, काली माता जी का टेंपल है गाइस। अब थोड़ी फोटोज़ ले लेता हूँ यार गाइस, बहुत सुंदर लग रहा है। गाइस, आज हम फ्यूजन डांस एंड फिटनेस स्टूडियो में हैं, यहाँ हमारी मीटिंग थी जो मैंने पहले बताया था। पीछे कैमरामैन राहुल भी है, राहुल भैया से मिल लिया, जस्ट इंदी का स्टूडियो है ये। यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो डांस प्रैक्टिस चल रही है। बारिश वाले दिन कॉफी का तो सबको है, ऊपर से मट्टियाँ भी है अभी। बारिश रुक चुकी है गाइस, धूप निकल गई है और हम कॉफ़ी पी रहे हैं। मेरी मैम है कॉलेज वाले, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में इधर था, मतलब एक साल मैं जम्मू में था, तो मैम ने मेरी बड़ी हेल्प किया, उनके थ्रू ही मैं जसवीन दी से भी मिला। तो अब मैम ने कॉफ़ी बनाई है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आने से पहले भी था ना तेरा? हाँ, फिर मुंबई जाना, जैसे मुंबई हुआ तो फिर वहीं चला गया। तो ये मतलब एक साल कंप्लीट है, तेरे कोई फॉर्मेलिटी यहाँ रहती तो नहीं? मेरे को यहाँ से कोई फॉर्मेलिटी चाहिए ही नहीं, मैंने वहाँ जाके फर्स्ट ईयर फिर से किया होगा। हाँ, 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 हाँ। तो वो तीनों साल, अब मेरा लास्ट ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का मेरा। इस हमारे यहाँ से फ्री हो गया, अब हम चले हैं नेक्स्ट जगह, तो मिलता हूँ मैं आपसे बाद में।